1470 ईस्वी को सलीम अव्वल अमासिया रियासत में पैदा हुए। 24 अप्रैल 1512 को सुल्तान सलीम 42 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के नवें हुक्मरान बने। आप सल्तनत की तोसी के हवाले से एक नुमाया नाम रखते हैं। सुल्तान सलीम बेहद सख्त मिजाज आदमी थे, चूँकि इनके वालिद सुल्तान बायजीद सानी बहुत हलीम तबाह थे, इसलिए फौज, वज़रा, काजी और दीगर ओहदेदार अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरीके से अदा नहीं कर रहे थे। इस सख्त गिरी का आम असर नहायत मुफीद साबित हुआ और वह तमाम खराबियाँ दूर हो गईं जो हुकूमत की बुनियादों को मुतजलजल करने के लिए काफ़ी होती हैं। इस वजह से अवाम आपसे बेहद खुश थी, जबकि यूरोपीय मौरखीन आपको जालिम लिखते हैं। तख्त नशीं होने के बाद सुल्तान सलीम का सबसे बड़ा ख़तरा उनके भाई थे। शहजादा अहमद, जो अमासिया के हाकिम थे, ने अलम बगावत बुलंद करके बरोसा पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सलीम बरोसा पहुँचे और शहजादा अहमद को शिकस्त दी। शहजादा अहमद ने भागने में ही आफियत जानी। सुल्तान सलीम ने इस बगावत में शामिल अपने 5 भतीजों को गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया। सुल्तान सलीम का सबसे बड़ा भाई कुरकत, जो कि मनीसिया में था, कुछ लोगों की बातों में आकर बगावत के लिए तैयार हो गया। इस बात का जब सुल्तान सलीम को इल्म हुआ तो उन्होंने कुरकत को कत्ल करवा दिया, लेकिन कुरकत की मौत पर सुल्तान सलीम को बहुत रंज हुआ। शहजादा अहमद कुछ अरसा बाद फिर उठ खड़े हुए, लेकिन 24 अप्रैल 1513 की जंग में इन्हें शिकस्त हुई और उन्हें कैद करके कत्ल कर दिया गया। सुल्तान सलीम जब तख्ते सल्तनत की तरफ से मुतमिन हो गए तो एशिया कुजक से यूरोप में वापस आए और वह यूरोप में मुख्तलिफ हुकूमतों से सुलहनामों की तजदीद करके अपनी सल्तनत के मगरबी हिस्सा को हर तरह के बैरूनी ख़तरों से महफूज किया और फिर मशरक में ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए। ईरान का हुक्मरान उस वक्त सफवी सल्तनत का बानी शाह इस्माइल सफ़ी था। शेख इस्माइल सफ़ी ने अजम के कई ममालिक को फतह कर लिया, हत्ता के ईरान की सरहदें सल्तनत उस्मानिया के साथ मिल गईं। ऐसी सूरत में दोनों का तसादुम नागुज़ीर था। तसादुम के मुतअद्दिद असबाब मौजूद थे। सबसे बड़ा मजहब का इख्तलाफ था। शाह इस्माइल एक गाली शिया, जबकि सुल्तान सलीम एक मुतशद्दिद सुन्नी थे। शाह इस्माइल के मुबल्लिग एशियाई कूचक में लोगों को सुल्तान सलीम के खिलाफ उभारते रहते। शाह इस्माइल ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मिस्र से इतिहाद कर लिया था। इसके अलावा मरहूम शहजादा अहमद के बेटे मुराद को बना दी थी और सुल्तान सलीम को तख्त से उतार कर शहजादा मुराद को तख्त पर बिठाने के लिए फौजें भी जमा कर रहा था। जब यह खबर सुल्तान सलीम तक पहुंची तो उन्होंने ईरान पर हमले का तहिया कर लिया। 20 अप्रैल 1514 को सुल्तान सलीम 1,40,000 का लश्कर लेकर ईरानियों के दारुल हुकूमत तबरेज की तरफ रवाना हुए। तबरेज का फासला 1,000 मील से जायद का था। रास्ता पहाड़ी था, लेकिन सुल्तान सलीम ने लश्कर को मुसलसल सफ़र करवाया। जब ईरान के सरहद के करीब पहुंचे तो शाह इस्माइल ने तमाम इलाके वीरान कर दिए और ख़ुद तबरेज में पनाह ली। सुल्तान सलीम की सबसे बड़ी मुश्किल रसद की थी। खाने पीने के सामान के लश्कर में कमी हो चुकी थी। लश्कर बददिल हो गया और आगे चलने से इनकार कर दिया। सुल्तान सलीम ने उस वक्त एक ज़बरदस्त खिताब किया, जिसकी वजह से लश्कर में एक नई जान पैदा हुई। सुल्तान सलीम का लश्कर जब तबरेज के करीब एक वादी चालदीरान पहुंचा तो शाह इस्माइल को मजबूरन बाहर आना पड़ा। 24 अगस्त 1514 को वादी चालदीरान में दोनों फौजों का टकराव हुआ। उस्मानी फौज बेहद थकी हुई थी। इस फौज ने 1200 मील का फासला सिर्फ 126 दिनों में तय किया था। शुरू की लड़ाई में तुर्कों के कुछ दस्तों को पसपा होना पड़ा, मगर फिर वो फौरन संभल गए। जल्द ही सफवी लश्कर के पांव ऊपर गए। शाह इस्माइल सफवी भी जख्मी हुआ, लेकिन भाग निकला। इस जंग में 25,000 सफवी फौजी मारे गए और जख्मियों की तादाद अनगिनत थी। 4 सितंबर 1514 को सुल्तान सलीम फातह की हैसियत से तबरेज के शहर में दाखिल हुए। तबरेज के बाद सुल्तान सलीम ने दियाबकर और कुर्दिस्तान के सूबे फतह कर लिए। उस वक्त मुकम्मल ईरान को फतह करना मुश्किल नहीं रहा था, मगर किसी मसलहत के बायस सुल्तान सलीम ने वापसी का सफर इख्तियार किया।
ईरान के बाद सुल्तान सलीम शाम और मिस्र की तरफ मुतवजह हुए। ये इलाके 250 बरस से सलातीनी ममलूक के ज़ेर हुकूमत थे। मिस्र और शाम को उस्मानी सल्तनत में मिलाने की सोच के कई असबाब थे। उस वक्त के ममलूकी सुल्तान कांसू गोरी बाज ऐसे उमरा की तरफदारी करने लगा था जो सुल्तान सलीम से भाग कर आए थे। ममलूकी अरकान सल्तनत ने इन उमरा को सुल्तान सलीम के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। ममलूकों ने शिकस्त खुर्दा शाह इस्माइल सफ़ी से भी अपनी हमदर्दियाँ जाहिर की। एशियाई कूचक के कुछ इलाकों में दोनों सल्तनतों के दरमियान सरहदी तनाजात पैदा हुए। इस इलाके में कई बस्तियां बिखरी हुई थीं और कई कबाइल थे जो दौलत उस्मानिया और दौलत ममलूकिया में इधर उधर होते रहते। सुल्तान सलीम ने इन रोज रोज के झगड़े ख़त्म करने का फैसला किया और इन इलाकों को अपनी हदूद में करने का सोचा। इसके अलावा ममलूकी सल्तनत का मिस्र और शाम के इलाकों में जुल्म और सितम बढ़ता चला गया। ममलूकों में शरी कानून ख़त्म हो गया। इस सूरत हाल में शाम के उलमा, कबायली सरदारों और काजियों वगैरह ने मुतफिका मशवरे से सुल्तान सलीम अव्वल के नाम खत लिखा और उन्हें ममलूकी सल्तनत पर कब्जा करने की दावत दी। इसी असना में सुल्तान सलीम को खबर पहुंची कि सरहद शाम पर ममलूकी फौजें जमा हैं। सुल्तान सलीम ने मशवरा के बाद फौरन कुस्तुनिया से फौज लेकर रवाना हुए और 24 अगस्त 1516 हलब के करीब मैदान मर्ज वाबिक में दोनों फौजें आमने सामने हुई। ममलूकों को शिकस्त हुई। ममलूकी सुल्तान कांसू गोरी मारा गया और हलब के अमीर ने सुल्तान सलीम को हलब की चाबियां पेश की। हलब की अवाम ने सुल्तान सलीम का वालेहाना इस्तकबाल किया। हलब फतह करने के बाद सुल्तान सलीम आगे बढ़े और शाम के बकिया शहरों को बगैर किसी मुज़ाहमत के फतह करते गए। दमिश्क में सुल्तान सलीम ने मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर मकबरा तामीर करवाया और यहाँ गरीबों के लिए एक अदारा बनवाया। इसके खराजात के लिए काफ़ी रकम और जायदाद वक्फ कर दी। शाम के फतह के बाद सुल्तान सलीम मिस्र की तरफ मुतवज्जे हुए। सबसे पहले गजा के मार्के में ममलूकों को शिकस्त हुई। इसके बाद काहिरा के करीब रिदानिया में मिस्रियों को दोबारा हजीमत उठाना पड़ी। इसके बाद भी छोटी मोटी झड़पें हुईं, लेकिन सुल्तान सलीम ने मिस्र को फतह कर लिया। खिलाफत अब्बासिया जब से मिस्र में मुंतकिल हुई थी, इस्लाम की मुतहिदा सियासी कुव्वत ख़त्म हो गई थी। खलीफा बड़ा नाम रह चुका था। कहा जाता है कि अब्बासी खलीफा खुद ब खुद सुल्तान सलीम के हक में खिलाफत से दस्तबरदार हो गया और यूं सुल्तान सलीम सल्तनत उस्मानिया के पहले और इस्लाम के 88वें खलीफा करार पाए। इसमें शुबा नहीं कि उस वक्त दुनिया इस्लाम की खिलाफत का हक भी सल्तनत उस्मानिया को पहुंचता था। यही सल्तनत तमाम दूसरी सल्तनतों से ज्यादा मिल्लत की हिफाजत की ताकत रखती थी और तकरीबन 150 से जहाद का फर्ज अदा करती आ रही थी। यही वजह थी कि जब सुल्तान सलीम की खिलाफत का ऐलान किया गया तो दुनिया इस्लाम के किसी गोशा से इसकी मुखालफत नहीं हुई। इस मनसब के लिए सलातीनी उस्मानिया का हक इस कदर मुसल्लम समझा गया कि पूरी 4 सदियों में एक मुद्दई खिलाफत भी इनके मुकाबले में नहीं उठा। हिजाज शरीफ जो उस वक्त ममलूकों के ज़ेर हुकूमत था, फतह मिस्र के बाद वो भी बिला मुकाबला सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा करार पाया और सुल्तान सलीम को खादम हरमैन शरीफैन का लकब अता किया गया। हरमैन शरीफैन की खिदमत का शर्फ सुल्तान सलीम के बाद उनके जानशीनों को 400 बरस तक हासिल रहा। इस तवील मुद्दत में इन्होंने बाशिंदगान हिजाज और खसूसन अहले हरमैन की खिदमत का हक जिस तरह अदा किया, इसकी तफसीलात से तारीख के सफात पुर हैं और इसकी याद अब उन अरबों को खून के आंसू रुला रही है जिन्होंने पहली जंग अजीम में अंग्रेजों का साथ देकर अपनी नाम निहाद आज़ादी की प्यास तुर्कों के खून से बुझाना चाही थी। सुल्तान सलीम का दौरे हुकूमत सिर्फ 8 साल पर मुश्तमिल था। जब आपने सल्तनत को संभाला था तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का रुकबा 23,75,000 किलोमीटर था, जबकि आपके दौरे हुकूमत के अख्ताम पर सल्तनत उस्मानिया का रुकबा 65,57,000 किलोमीटर तक जा पहुंचा था। सुल्तान सलीम अव्वल 22 सितंबर 1520 को 50 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आपको इस्तंबुल में दफन किया गया।